खबर झांसी के टेरोली से है, जिसमें छेड़खानी और मारपीट के आरोप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर लगाए गए हैं। खबर को देखते समय आप झांसी के सबसे निडर 100% ईमानदार टेरोली पुलिस और बाइट देती हुई लड़की, आरोपी लड़कों को केंद्र में रखना, शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ खाने वाले पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहले आप खबर सुनिए। टेरोली थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के साथ छेड़खानी की घटना का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि थाना टेरोली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव की युवती ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के ही दबंग युवक ने उसके साथ छेड़खानी एवं उसके घर पर पहुंचकर पिता एवं भाई के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। वहीं आपको बता दें कि युवती ने कहा कि टेरोली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। जब उसका पिता और भाई थाने में शिकायत करने आए तो उन्हें भी धमका कर थाने के अंदर बैठा कर रखा है और कह रहे हैं कि ऐसे तो हजारों केस आते हैं और इस तरह से मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। आरोप है ईमानदार टेरोली पुलिस पर कि लड़की के भाई और पिता को थाने में बैठा कर जबरन राजीनामा करवाया जा रहा है। इसमें नया कुछ नहीं है, ये तो थानों के दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। जहां अभी तक FIR दर्ज होनी चाहिए थी, वहां बैठकर समझाया जा रहा है कि अपनी शिकायत वापस ले लें। गजब है उत्तर प्रदेश पुलिस। सुनिए लड़की ने क्या कुछ कहा है। टेरोली से अंकित गौतम की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर एक छोटी बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ छेड़खानी की गई है और हम लोग हमारे घर वालों को, जब हमने घर वालों को बताया तो मेरे घर वालों को उनके घर वालों ने आके बहुत मारा है। हाँ। तो हम लोग शिकायत करने के लिए आ रहे थे थाने में, तो रास्ता में ही रोकने की कोशिश की है, रास्ता में आने भी नहीं दे रहे थे। जब हमने 112 नंबर पे फोन लगाया, जब पुलिस वाले आए तब हम शिकायत करने के लिए आ पाए हैं। और शिकायत करने के लिए आए हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और उन लोगों ने पैसे दे दिए, जब तो हमारी सुनवाई नहीं हो जा रही है। किस किसने आपके साथ छेड़खानी की है बता? मोहित यादव। हाँ हाँ, मोहित यादव ने छेड़खानी की है मेरे। आपने थाने में रिपोर्ट लिखवाई? अभी मेरी सुनवाई ही नहीं हो रही है कोई। अच्छा, सिर्फ एप्लीकेशन दिया है और उल्टी मेरे भैया को और पापा को अंदर बैठा लिया गया है। क्या कह रहे थे दरोगा जी आपसे? कोई कुछ वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। और हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो अभी तो मिले हो, क्या करोगी अंदर जाके? और उनके आते हैं आदमी तो उनको घंटों बैठा लेते हैं, बोलते हैं जो बातें सच बोलो, झूठ झूठ क्यों लिखवा रही हो? ऐसे तो हजारों केस आते हैं, ऐसे तो हजारों झूठ फंसवाने की कोशिश करते हैं। आप चाहते क्या है? हमें न्याय चाहिए।